घर में शादी का माहौल था, बारात आने को थी, दुल्हन सजकर तैयार थी, परिवार में सब खुश थे और परिजनों व रिश्तेदारों में जश्न का माहौल था। परंतु न बारात आई और न शादी हुई, क्योंकि शादी से पहले खतरनाक कांड हो गया जिससे पूरा इलाका दहल गया। कातिल जीजा ने बेरहमी से दुल्हन को उतारा मौत के घाट, पहले चेहरे पर, फिर पेट पर, गर्दन व सीने पर ताबड़तोड़ धारदार हथियार से किए वार। तो दोस्तों नमस्कार, मैं रिशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। प्रयागराज के थाना सराय इनायत के ग्राम दलापुर में बारात आने से ठीक एक दिन पहले अपने ही जीजा के द्वारा बेरहमी से मौत के घाट उतारी गई दुल्हन रीना बिंद। बेरहम जीजा ने दुल्हन बनने जा रही रीना पर 20 बार लगातार वार किए। राक्षस जीजा ने पलक झपकते ही खुशियों को मातम में बदल दिया और दुल्हन बनने जा रही साली पर धारदार हथियार से चेहरे, सीने व पेट पर पूरे 20 बार वार किए। इसका खुलासा पीएम रिपोर्ट में हुआ। उधर हत्यारे जीजा की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, परंतु हत्यारा अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आपको बता दें कि हत्या के बाद शनिवार शाम को दो चिकित्सकों ने पैनल ने वीडियोग्राफी के बीच मृतक युवती का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के दौरान मृतका के शरीर पर 12 जख्म मिले, इसमें से कुछ जख्म चेहरे, पेट, सीने व गर्दन पर मिले। चिकित्सकों के कथनानुसार ये घाव चाकू या चापड़ के हो सकते हैं। चिकित्सकों ने कहा कि घाव देखकर ये कह सकते हैं कि हमलावर यानी हत्यारा किसी भी कीमत पर उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। परिजनों ने पोस्टमार्टम के तुरंत बाद ही सराय इनायत के ग्राम लीलापुर घाट पर मृतिका का अंतिम संस्कार किया, परंतु हत्यारा जीजा ताराचंद पुलिस की गिरफ्त से अभी तक फरार है। आपको ये भी बताते चले कि घटना के बाद से ही मृतिका का मोबाइल फोन गायब है और फोन बंद बताया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि घटना वाली रात मृतिका से हत्यारोपी की फोन पर काफी देर बातचीत हुई और पुलिस को शक है कि हत्यारा जीजा घटना को अंजाम देकर मोबाइल फोन अपने साथ ले गया और सारा खुलासा हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद ही होगा। आपको बताते चले कि बीते दिन रविवार को मुजहा दलापुर गांव के निवासी रीना की बारात आनी थी और शनिवार सुबह उसका शव घर से 500 मीटर दूर पड़ोस के बरईपुर गाँव में पड़ा मिला। परिजनों ने जीजा पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर में नामजद कराया। आरोप है कि वह शादी का दबाव बना रहा था। मृतिका रीना 5 भाई बहनों में सबसे छोटी है, जिसका विवाह रामवरण बिंद निवासी जलालपुर थाना उतराव के साथ तय किया गया और 3 दिसंबर को बारात आनी थी और बारात आने से पहले ये कांड हो गया। परिजनों ने बताया कि रात 12 बजे तक घर में गीत संगीत का कार्यक्रम चला, इसके बाद सभी लोग खाना खाकर सोने चले गए और रीना भी अपने कमरे में चली गई। हालांकि वह सोने से पहले किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। मामले की जानकारी देते हुए DCP अभिषेक भारती ने यूपी 76 न्यूज को बताया। थाना सराय इनायत से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिनका नाम है रीना पुत्री रामचंद्र, इनका शव ग्राम दलापुर में एक खेत में पड़ा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी सराय इनायत, क्षेत्राधिकारी थरवई और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस, स्वॉट टीम के द्वारा वहां पे कार्रवाई की गई, साक्ष्य संकलन किया गया और परिवार द्वारा एक नामजद तहरीर प्राप्त हुई है। नामजद अभियुक्त की तलाश की जा रही है, जल्दी गिरफ्तारी कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।